रात को जागोगे तो जल्दी मृत्यु हो सकती है और आपकी क्षमता भी कम रह सकती है। इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोग हमारे पास में आते हैं कि जिनको नींद का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि मानसिक बीमारी का सबसे पहला लक्षण जो है वो है कि नींद नहीं आना। सबसे पहला लक्षण होगा तो कि नींद नहीं आना और निगेटिव विचार आना, बहुत सारे विचार आना। करीब करीब 100% मानसिक बीमारियां जो उनको प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है। और इसके अलावा जो नॉर्मल बाकी जो लोग हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है कि नींद नहीं आती रात को जल्दी। और फिर लोग अल्प्राजोलाम खाते रहते हैं और 0.25 मिलीग्राम की अल्प्राजोलाम की गोली है जो टनों में टन, एक एक टन बेची जाती होंगे, मतलब इतना लोग खाते हैं अल्प्राजोलाम की गोली सोने के लिए, नींद के लिए। अभी नई नई ऐसी गोली निकली है कि जो खाते हैं तो 1 घंटे में नींद आती है और 7-8 घंटे नींद आएंगे सवेरे फ्रेश। प्रॉब्लम यह है कि इसका एडिक्शन होता है, लत लग जाती है और डोज आपको बढ़ाना पड़ता है। तो लोग, इसलिए मैं मतलब लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि नहीं भाई गोली मत लो। फिर क्या करो, फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, हिप्नोटिज्म करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, मेडिटेशन करो। मगर कुछ लोगों को रात को ही जगने की आदत है, मतलब वो ऐसा लोग अपने मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम रात को 2 बजे तक जागते हैं और फिर सवेरे 8-9 बजे तक उठते हैं और रात को हमको बहुत अच्छे विचार सूझते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है अच्छी, या अच्छा सोचना होता है, या हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, कुछ नया अपन दिमाग में आता है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। जो लोग रात को जगते रहते हैं उनको नाइट आउल्स बोलते हैं और जो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं उनको मॉर्निंग लार्क्स बोलते हैं। ये नाइट आउल्स जो है वो उनको ये दिखा गया है, मतलब कि भाई उनका एकाग्रता नहीं रहती है दिन में काम में, जो लोग लेट सोते हैं, क्योंकि आप बायोलॉजिकल क्लॉक के खिलाफ काम कर रहे हैं तो एकाग्रता नहीं रहती है। फिर इनकी रिएक्शन जो है, रिएक्शन टाइम वो स्लो रहता है, उनको दिन में नींद आती है। ये लोगों में ज़्यादा शराब और तंबाकू का व्यसन लत पाई गई है, मोटापा ज़्यादा है लोगों में, हार्ट अटैक की ज़्यादा शिकायत रहती है, एनर्जी है, जोश कम रहता है, डिप्रेशन जल्दी आता है, थकान आती है और जल्दी मृत्यु हो सकता है। 1981 से लेकर 2018 यह पीरियड में, मतलब करीब करीब 39 साल, 24,000 ट्विंस की स्टडी किया, 24,000 ट्विंस, और उसमें यह पाया गया कि भाई जो लोग लेट नाइट सोते नहीं थे, जगते थे, उनमें क्षमता कम थी, परफॉर्मेंस कम था, एबिलिटी कम थी और उनमें ज़्यादा बीमारियां पाई गई। वही पीरियड में 1981 से लेकर 2018 तक 9,000 लोग जिनकी डेथ हो गई उनको स्टडी किया गया, और जब उनका स्टडी किया गया तो उनमें से मैक्सिमम लोग रात को लेट सोने वाले निकले। तो ये स्टडी ये बताती है कि आप रात को लेट सोते हो तो आपकी मृत्यु जल्दी हो सकती है, आपको बीमारियां ज़्यादा हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, फोकस, एनर्जी, ये सब कम हो सकती है दिन में। तो फिर इसके लिए क्या करें? एक है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हमारे प्रोग्राम करो। हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, जैसा मैं स्ट्रेस फ्री इंडिया का प्रोग्राम हर गुरुवार को रात को करता हूँ 9:30 बजे, अटेंड करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप करो। दोपहर को नींद मत लेना। लोग क्या करते हैं, 2-3-4 बजे बोले 15-20 मिनट, आधे घंटे की नींद मार लेते हैं तो उसमें फिर रात को लेट जगना पड़ता है। फिर रिलैक्स रहो, शाम को जरा रिलैक्स हो जाओ तो रात को जल्दी नींद आ जाएगी। एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम 40 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और आपने देखा होगा कि स्टिमुलेंट्स जो है वो शाम को 4 बजे के बाद में अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कॉफ़ी है, चाय है, ये अवॉइड करना चाहिए। तो चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू अवॉइड करो, एक्सरसाइज करो, रिलैक्सेशन करो, स्ट्रेस मैनेज करो, ये सब करते हैं। और फिर रात को लोग क्या करते हैं कि नींद नहीं आ रही है करके फेसबुक के ऊपर चालू स्क्रोलिंग करना, व्हाट्सएप के ऊपर चालू स्क्रोलिंग करना, यूट्यूब के ऊपर चालू
तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मोबाइल आप सामने रखते हो ऐसा और कंटिन्यूसली वो स्टिमुलेशन आंखों को मिलता है तो डोपामिन सिक्रेशन होता है, नींद नहीं आती फिर, तो फिर वो ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही करके वो देखेंगे, अरे वो मोबाइल देखेंगे तो नींद नहीं आएंगे, फिर से और विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो रिलैक्स रहो और कुछ तो भी फिर बहुत ही प्रॉब्लम है आपको, तो आपने क्या करना है। और ये ऐसा बोरिंग टॉपिक है आपको, जो टॉपिक में मजा नहीं आती है, कोई अध्यात्म का विषय है वो सुनो या फिर पढ़ो ऐसी किताब, पढ़ाई करो अपने विषय की, जो आपको अच्छा लगता नहीं है वो टॉपिक पढ़ो ताकि आपको जल्दी नींद आ जाए। वैसे मैं आपको बोलते रहता हूँ कि जिनको नींद नहीं आती उनको, कि भाई आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, आंखें बंद करके जब आप लेटे रहते हैं तब कल्पना करो कि भाई समुद्र की जो पानी की लहरें हैं वो किनारे आ रही है, जोर से पानी ऐसे किनारों तक आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। आप वहाँ एक लकड़ी लेके खड़े हो, आपने वहाँ लिखा 100, पानी आ गया, वो जो लिखा हुआ था बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर, वो मिट के निकल गया। फिर आपने लिख रहे हैं 99, फिर पानी आ रहा है, फिर लेके जा रहा है। फिर आपने लिखा 98, फिर पानी आ रहा है, फिर लेके जा रहा है। ऐसा आप करते जाओ तो करते 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 आपको नींद आ जाएगी। आप यदि मेडिटेशन करते हो कि लेटे रहना और श्वास के ऊपर, सांस के ऊपर ख्याल रखना कि सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, और समझो विचार आ गए तो विचारों को आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो एज ए थर्ड पार्टी, विचार आ रहे विचार जा रहे, विचार आ रहे विचार जा रहे, चलो ऐसा, वो नींद लग जाएगी। उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना विचारों। सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं आप, सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़ेगा, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं और हम कोर्स करते हैं तो वो सीखो। और रात को खाना जल्दी खाओ, मतलब सोने का आपका जो टाइम है उसके कम से कम 3 घंटा पहले रात को खाना है, खाना हैवी नहीं खाने का है, रात का एकदम हल्का फुल्का खाना खाने का है। और रात को कोई डिबेट, क्वारल, झंझट, झगड़ा, इरिटेबिलिटी इसमें मत पड़ो, शांत रहो। तो ये सब करते हैं आप तो डेफिनेटली आपको जल्दी नींद आ जाएगी। जल्दी नींद आती है तो दिन भर अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करते तो प्रोडक्टिविटी अच्छी बढ़ जाएगी। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।